हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे फाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम हिंदी में संज्ञा का चैप्टर कराएंगे, क्योंकि कल हमने वाच्य का चैप्टर कराया था तो कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि हमें साफ नहीं दिखाई दिया, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज से हम बिल्कुल क्लियर वीडियो देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है, क्योंकि हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम नाउन बोलते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा इसकी ये होगी, किसी वस्तु, कोमा स्थान, प्राणी, कोमा मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो बात यह है हमारी यहां से कि कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई प्राणी हो या कोई किसी मनुष्य का नाम हो, तो उन नामों को हम संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं या हम उनको उस नाम से पुकारते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। नंबर चार, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर पांच, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के पांच भेद हुए। पहला नंबर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि इनके बारे में क्या क्या होता है। तो पहले नंबर चलते हैं आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आप हर एग्जाम में संज्ञा से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर देखें और बैठे रहे। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या किसी प्राणी का नाम हो, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम हुआ मोहन, ये व्यक्ति है। कोई स्थान का नाम हुआ जैसे कि भारत,
कोई प्राणी हुआ घोड़ा या कोई कोई वस्तु हुई जैसे कि रामायण, या रामचरितमानस, या कोई पुस्तक, ये सब किसी को हम किसी नाम से पुकारते हैं तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर दो पर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह होता है जहां पर किसी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, या किसी प्राणी विशेष, या किसी मनुष्य विशेष की जो जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे हमने व्यक्तिवाचक में मोहन लिखा था तो इसकी हमें जाति का बोध कराना है, तो मोहन एक हमारा लड़का हुआ तो इसकी जाति क्या हुई? लड़का। सीता है, इसकी जाति क्या हुई हमारी? लड़की। महाभारत है, यह महाभारत हमारे एक ग्रंथ है, अगर हम इस महाभारत को किसी नाम से पुकारते हैं तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसकी हमें जाति का बोध कराना है तो महाभारत हमारे पवित्र ग्रंथ है। इसी प्रकार जनवरी का हमें जाति बोध, जातिवाचक बनाना है तो जनवरी एक हमारा महीना है जिसे हम बोलते हैं महा। तो इसी प्रकार और भी शब्द हैं तो आपको याद करने हैं। यहाँ पर केवल आपको विशेषता बताई जाती है और यहाँ पर समझाया जाता है। आगे हैं और देखते हैं जातिवाचक और क्या क्या होते हैं। भारत है तो इसकी जाति हुई हमारी देश। रविवार है, रविवार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसकी जातिवाचक संज्ञा बनाना है तो इसकी जातिवाचक हो जाएगा हमारा दिन। तो इसी प्रकार और शब्द हैं वो आपको याद करने हैं। अब नंबर तीन पर चलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। नंबर तीन, समूहवाचक संज्ञा। अब हमें नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि समूह का मतलब क्या होता है, संगठन, समुदाय। तो जिन शब्दों में कोई समूह या समुदाय का बोध कराया जाता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हुई। जैसे उदाहरण में है, पुलिस, ये समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि पुलिस का एक गुट होता है, सेना का भी एक गुट होता है, कक्षा ये भी हमारा एक गुट होता है, एक परिवार की तरह बैठते हैं हम कक्षा में तो वहां पर संख्याओं की संख्या होती है, अधिक संख्या होती है तो उसमें हम बैठते हैं तो कक्षा हमारा एक समूहवाचक संज्ञा है। सभा है, मंत्रियों की सभा होती है, मेला है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है शब्द। गुच्छा है, गुच्छा शब्द समूहवाचक के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। परिवार है, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं नंबर चार,
नंबर चार है हमारा भाववाचक संज्ञा, नंबर चार है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह होता है जब किसी शब्द में या किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के किसी स्थान के भाव को दर्शाया जाता है तो वे शब्द सारे भाववाचक संज्ञा कहलाए जाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हंसना होता है, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गई, किशोर, किशोरावस्था, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। और भी शब्द है इसमें, बुढ़ापा है हमें भाव से पता चलता है कि ये हमारा बुढ़ापा चल रहा है, बचपन है ये हमारी बचपन की अवस्था है, तो ये सब भाव शब्द हैं, जवानी है, किशोरावस्था है, हंसना है, जो भी भाव है, जैसे हरियाली है ये वातावरण का भाव है, बंधुत्व है, ये परिवार संबंधित माता पिता या भाई बहन का जो स्नेह प्यार होता है, ये सब भाव हैं। और भी शब्द हैं भाव शब्द, जैसे कि हैं घृणा, क्रोध, स्नेह, ये सब भाव शब्द कहलाए जाते हैं। प्रेम इत्यादि, ये शब्द सब भाव शब्द के अंतर्गत आते हैं। नंबर पांच की ओर चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, तरल पदार्थ या किसी मापतोल की तुलना की जाती है या बोध कराया जाता है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे इसमें द्रव्यवाचक शब्द डीजल, घी, धातु में सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पर एक मात्रा आती है, हमें हिंदी के साथ साथ शुद्ध वर्तनी भी लिखना बहुत जरूरी है, शुद्ध शब्द लिखना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर हम शुद्ध शब्दों के साथ हिंदी पढ़ें तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको शुद्ध वर्तनी का भी लिखाया जाएगा। और भी शब्द आते हैं जैसे, हाँ एक बात और है कि कोयला जो शब्द है इसमें अपवाद होता है, कोयला हमारा द्रव्यवाचक में नहीं आता है, ये हमारा जातिवाचक होता है। जातिवाचक, इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कोयला शब्द अधिकतर एग्जामिनर द्रव्यवाचक में डाल देता है पर ये द्रव्यवाचक नहीं होता है और बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोयला हमारा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये अपवाद शब्द है। आदि, बस इतने ही द्रव्यवाचक संज्ञा में ये शब्द आते हैं और आपको अपनी किताब में या अपनी बुक में
जो भी शब्द दे रखे हों उनको पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छे और इससे तरीके से अगले चैप्टर कराएंगे। और हमें कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ में कमेंट में जो भी आपकी समस्या है हिंदी से संबंधित वो आपको कमेंट में लिखनी है। और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और उसके साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।